नौ क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फाइव प्लस जेड इफ वन एक्स वाई जेड 16 आर इन जी पी। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर से ये सब कुछ जी पी में है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन। ये क्वेश्चन अच्छा है। लुक हियर, गिवेन वन एक्स वाई जेड 16 आर इन जी पी। ये मालूम है आपको कि ये सब क्या है, एक जी पी में है। तो अगर से जी पी में होंगे तो इनका रेशियो सेम होगा ना, एक्स डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन जेड। ये सब रेशियो आपका सेम होगा, सपोज ये हम कर लें ये आर के इक्वल है। अब आपसे क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी कि इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो सबसे पहला काम हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर से हम इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दें इन टर्म ऑफ आर, ठीक, तो वहां से हमको वैल्यू मिल सकती है। जरा से देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू आर, ये तो सीधा सीधा हो गया ना, वाई इज इक्वल टू एक्स आर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आर लिख दे रहे हैं। चलिए हटाइए, वाई इज इक्वल टू एक्स आर एंड जेड इज इक्वल टू वाई आर। तो अगर यहाँ से हम x और y की वैल्यू फिर रखना चाहें, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, अलग से निकाल लीजिए चाहिए तो, यहाँ से आपको वैल्यू ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे x इज इक्वल टू क्या है r, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आर, इसमें r की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आर स्क्वायर हो गए। सेम एज z इज इक्वल टू वाई आर है, तो y इज इक्वल टू r है तो z इज इक्वल टू आ जाएगा आर क्यूब। तो सीधा सीधा आपका ये स्टेप बन जाएगा, x इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमको अभी z की वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो 16 इज इक्वल टू हो गए z r, ठीक। अच्छा, z की वैल्यू तो r क्यूब मालूम हो गई आपको ना, तो यानी कि 16 इज इक्वल टू r पावर 4, ये होगा। अब यहाँ से 2 पावर 4 इज इक्वल टू r पावर 4, मीन्स r इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू मालूम हो गई, इसमें ला कर रख दीजिए, सबकी वैल्यू मालूम हो जाएगी, है यहाँ ला कर रख दीजिए आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखिए, आर इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो टू स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू आर क्यूब मीन्स टू क्यूब। ये कितना हो गया, टू प्लस फोर प्लस एट, सॉरी टू प्लस फोर प्लस एट इज इक्वल टू 14 एज ए आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उस तरह से नहीं लग रहा है जैसे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे। आप इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए, इसका यूज़ करके हमको डायरेक्ट आर की वैल्यू मालूम हो गई, और अगर आर की वैल्यू मालूम हो गई तो एक्स मालूम हो जाएगा, वाई मालूम हो जाएगा, जेड मालूम हो जाएगा, ठीक। एक्स वाई जेड की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बस, जो ईजी लगे आपको। आप इस फॉर्म में चेंज करना चाहिए, इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या इस फॉर्म से लगाना ज़्यादा ईजी लग रहा है तो इस तरह से लगा लीजिए, तो आपको आंसर ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 18 एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज दिस, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द जीपी। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से आपको ए और आर की वैल्यू निकालनी होगी। आइए इक्वेशन बना देते हैं, बाकी सिंप्लीफाई करने का काम आपका है। जब हमको ए आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो टी टेंथ मीन्स टेंथ टी एन की वैल्यू जैसे रखी जाती है, एन की वैल्यू 10 रखते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का खाली इक्वेशन बनाते हैं, थर्ड टर्म ऑफ द जी पी इज 18। अब इसमें आपसे क्या कहा गया है, थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज 18, थर्ड टर्म मीन्स ए आर स्क्वायर, ये होता है ना, 3 - 1 करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और कहा गया था कि सेवेंथ टर्म इज 3 होल 5 अपॉन 9, तो 9 3 27 प्लस 5 32, 32 अपॉन 9 एट इज सेवेंथ टर्म। इसको आप लिख सकते हो ए आर पावर 6।
अब अगर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपको आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब आर मालूम हो गया तो फर्स्ट रिलेशन में ला कर रख दीजिएगा, ए मालूम हो जाएगा। जब आर और ए दोनों चीज़ आपको मालूम हो जाएगी, तो टी टेन इज इक्वल टू ए आर पावर 10-1 मीन्स ए आर पावर 9। इसमें आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टी टेन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, द फिफ्थ 11th एंड 8th टर्म, सॉरी द फिफ्थ 8th एंड 11th टर्म ऑफ द जी पी आर पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस, मीन्स जो फिफ्थ टर्म है वो पी है, 8th टर्म क्यू है एंड 11th टर्म एस है, तो आपको ये शो करना है। तो आइए पहले इसको शॉर्ट में लिखते हैं, पी क्यू एस की वैल्यू क्या दी गई है। देखिए जो फिफ्थ टर्म था टी पी इज इक्वल टू दिया गया है टी फाइव इज इक्वल टू पी, जो 8th टर्म है वो क्यू दिया गया है, और जो 11th टर्म है वो एस दिया गया है, पी क्यू एस। लेकिन हम जानते हैं कि अगर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो टी फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर पावर 5-1, तो ये ए आर पावर 4 आ जाएगा। टी एट इज इक्वल टू ए आर पावर 8-1, ये हो जाएगा ए आर पावर 7। सेम एज ए 11 इज इक्वल टू ए आर पावर 11-1, ये हो जाएगा 10। ठीक, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले से मिल रहा है। आपसे कहा शो दैट या प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो जरा सा हम राइट साइड से अगर वैल्यू पुट कर दें, पी एस की वैल्यू देखिए कितनी होती है राइट हैंड साइड, ठीक, पी एस ना, इसमें पी की वैल्यू क्या हो गई ए आर पावर 4 एंड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी ए आर पावर 10। इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा ए स्क्वायर आर पावर 14, ये ऐसे लिख लीजिए ए आर पावर 7 होल स्क्वायर। ए आर पावर 7 किसकी वैल्यू है टी 8 की, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, बस हो गया। ये तो शो करना था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, लगाने की कोशिश करिए कई बार। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे हैं, एग्जाम्पल लगा डालिएगा। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।